बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्थित श्री बागेश्वर धाम में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में शिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे रीति रिवाज से कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के दमोह के विधायक अजय टंडन विशेष रूप से इसको लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि जिन कन्याओं के माता पिता या भाई बहन नहीं हैं या वह अति गरीब हैं, उन गरीब कन्याओं की शादी बागेश्वर धाम में 1 मार्च 2022 को परम श्रद्धेय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में कराए जाएंगे। 108 कन्याओं का विवाह यहां पर होगा। इसके लिए इच्छुक परिवार 12 फरवरी तक अपने सभी डॉक्यूमेंट सहित विधायक कार्यालय दमोह में संपर्क भी कर सकते हैं। इन गरीब कन्याओं के लिए आवश्यक सामग्री भी बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसको लेकर के दमोह के विधायक अजय टंडन के द्वारा संबंधित लोगों को विशेष जानकारी प्रदान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। कोई लेकिन वो आज कल में ही 12 तारीख तक निश्चित है, अपन ने 2 दिन बढ़वा दिया। जो गरीब कन्या जिसके की कोई भाई ना हो, पिता ना हो, माँ ना हो, चलो वो सब भी है, लेकिन जिसके शादी में कोई दिक्कत आ रही है, कमजोर परिस्थिति हो, कमजोर परिस्थिति की लड़की है, तो उनके नाम दे दिए जाएँ। तो जो अपन 21 शादियाँ करा रहे हैं उसमें अपन उनके नाम जुड़वा देंगे, लेकिन आखिरी समय तक नहीं, क्योंकि जब सूची पूरी हो जाएगी फिर नाम नहीं जुड़ पाएगा। आखिरी समय तक तो फिर लोग आते जाएंगे तो उसकी दहेज की व्यवस्था होगी क्या? दहेज का मतलब लड़की की विदा, यहाँ दहेज शब्द ना जोड़ा जाए, लड़की की विदा का जो शगुन होता है वह जैसे कुछ घर का सामान है ये, तो उसको अपन दहेज नहीं मानेंगे, लड़की की विदा मानेंगे, लड़की की विदा। तो टपारा तक बन रहा है, एक टपारा का ले लिया, ठीक है, हाँ वो सब बन रहा। बाकायदा दूल्हा घोड़े पर बैठेगा, बाकायदा झूला चलेगा, पूरे 108 पंडित का। तो लेकिन मुख्य सार की बात यह है कि कोई भी ऐसी गरीब कन्या हो उसके नाम 12 तारीख तक दे दिए जाए, ताकि वहाँ पर समय पर जुड़वा दिए जाए, समय पर नाम जुड़ जाए, ताकि अपनी गरीब कन्याओं का विवाह मिले। लेकिन उस दिन फसल शिवरात्रि, आप लोग ये पक्की कर लो कि शिवरात्रि भी है, और लेकिन एक दिन पहले से सोना पड़ता है। हमने उसे कमरों उमरों की बोली है, टेंट तो है, उसकी अलग व्यवस्था, ठीक है। अपन को ये देखना है कि 100 लोग के लिए अपना हर आदमी कहाँ सामान रखा है, दहेज का कहाँ क्या है, उसके अपन 4 इंतजामी आदमी बना दिए है। तो अब की बार 6-7 लोग जाएंगे, सोनू से संपर्क कर, ठीक है, उस हिसाब से आप लोग सेटिंग बना दें, और जो ना जा पाए वो अभी से नाम कट करवा ले, नहीं तो बाद में जितनी लोग चाहिए। कल सरपंच ने बुलाया था तो मीटिंग हो गई, ठीक है। ये तो हमें शादी उनके लिए चाहिए, उनको तैयार है, आपकी जितनी लिस्ट में सब लोग जा रहे हैं।